एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल फ्लूटिस्ट। टुडे आई एम हेयर विद माय फ्लूट और आज का ट्यूटोरियल है ऑन द सॉन्ग रुला के गया इश्क तेरा। काफ़ी टाइम से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इससे पहले मैंने इसका कवर डाला था तो उसे मैंने बताया था कि बहुत जल्दी ही क्या आपको क्या है इसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो जो भी भाई, चाहे बिगिनर हो चाहे जिसको नहीं पता, जो चाहता है इस सॉन्ग को सीखना, तो वो क्या है इसको वीडियो को देख सकता है और वीडियो पूरा देखें, ठीक है। बीच में से कुछ भी एक नोट्स वगैरह कुछ भी स्किप होता है तो क्या पूरा का पूरा सॉन्ग क्या बजाने में नहीं बजता, तो वीडियो को पूरा देखें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसा कि सॉन्ग का स्केल, फ्लूट का स्केल, कौन कौन से नोट्स इसमें कॉमन लगेंगे, कौन से शुद्ध लगेंगे, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सॉन्ग का जो स्केल है वो है डी शार्प और मैं इसे प्ले करूँगा जी माइनर फ्लूट पे, ठीक है। तो आपके पास कोई भी फ्लूट है तो आप उस पर क्या इसको प्ले कर सकते हैं, जिस नोटेशन से मैं बताऊंगा उसी नोटेशन से आप इसको बड़ी ईजी से आसानी से तरीके से इसको प्ले कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और नोट्स जो हैं हमारे इसके अंदर सारे के सारे शुद्ध रहेंगे, ठीक है। जिस नोटेशन से मैं आपको बताऊंगा उसमें कोई भी कोमल स्वर नहीं रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल ईजी तरीके से मैं बताऊँगा इसको, क्या सारे शुद्ध नोट्स रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे सबसे पहले सॉन्ग की फर्स्ट लाइन बजा के दिखाऊंगा फ्लूट पे, जैसे मैं पहले दिखाता हूँ बजा के दिखाऊंगा, उसके बाद आपको क्या है नोटेशन दिखाऊंगा और फिंगर्स दिखाऊंगा, ठीक है, और नोटेशन आपको स्क्रीन पे बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन, तो ये है काश तू मेरे, सॉरी स्केल की थोड़ी सी मुझे दिक्कत है, ठीक है, रेंज नहीं है गले की, तो कोई बात नहीं, वर्डिंग जो है लिरिक्स आप वहाँ पे देख लेना। काश तू मेरे हक में होता, बनके यकीन शक में होता, इस तरह की लिरिक्स है, ठीक है। तो ये कैसे रहेगा, स्क्रीन पे भी आपको नोटेशन नजर आ रही है बिल्कुल सही, और यहाँ पे मैं जो बताऊँगा बिल्कुल सही, ये हमें सा से शुरू करना है, सारे शुद्ध रहेंगे, ठीक है, सा से शुरू करना है। सा सा प मा गा गा, सा प मा गा गा, काश तू मेरे सा प मा गा गा, गा शुद्ध मा शुद्ध, ठीक है, सा सा ये वाला, ठीक है, सा प मा गा गा, क्लियर हो गया। रे नी धा नी नी सा, ठीक है, रे सा नी धा नी सा, रे सा नी धा नी सा, इतना बजा, दोबारा से देख लो, सा प मा गा गा, रे सा नी धा नी सा, क्लियर हो गया इतना। काश तू मेरे हक में होता, दोबारा से उसके बाद बन के यकीन शक में होता, वो कैसे बजेगी, वो भी ऐसे ही, सा प मा गा गा रे सा नी धा नी सा, क्लियर हो गया, रे सा नी धा नी सा, बन के यकीन शक में होता, ये दो लाइन कंप्लीट। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, पर ऐसा हुआ नहीं तू है मिलो दूर कहीं, इसे बता बजाता हूँ उसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो ये है, पर ऐसा हुआ नहीं, ये बजेगा सा से, ऊपर वाले सा से, चार बार है, सा 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 सारे नी सा सा सा, दो बार, उसके बाद फिर सा 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 सा, चार बार हो गया, सा 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 सारे नी सा सा, चार बार सा 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 पर ऐसा, क्लियर हो गया, सारे निशा हुआ नहीं, इतना बजा। उसके बाद तू है मिलो दूर कहीं, वो भी बिल्कुल सेम, सा सा
सा सा सा, चार बार ठीक है, सा 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 रे नी सा, तू है मिलो दूर कहीं, तो इतना हो गया। उसके बाद तेरे संग बजाता हूँ, उसके बाद पता लगेगा। यह है, तेरे संग पल दो पल को हंसना जो चाह तो। ये कैसे बजेगी? पामा क्लियर, धा पामा मा धा धपा क्लियर, तेरे संग पल दो पल को। उसके बाद फिर दोबारा से धा पामा मा धा धपा हंसना जो चाह तो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है फर्स्ट फ्लूट पे, उसके बाद देखना। तो ये है, रुला के गया इश्क तेरा, दो बार है, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं। वो अभी मैंने बजाया नहीं है तो वो बाद की बात है। तो सबसे पहले तो यही, रुला के गया इश्क तेरा, तो ये कैसे बजेगा? पापा धा धारे, पापा धा धारे, ऊपर वाले नोट्स हैं सारे, ठीक है, हाई ऑक्टेव के। पापा धा धारे सा 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 सा, चार बार सा, ठीक है, पापा धा धारे सा 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 सा, दो बार इसको बजाना है, ठीक है। रुला के गया इश्क तेरा, पापा धा धारे सा 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 सा, जब आ वो है ना, वो कैसे बजेगा? नी धा पा, ठीक है, नी धा पा, साथ में नी धा पा जोड़ देना, देख लेना कैसे बजेगा, फिंगर्स को ध्यान रखना। जो आ वो कैसे बजा रहा हूँ मैं? स नी धा, ठीक है, उसके बाद नी धा पा, वो सा सा तो चार बार हो गया, उसके बाद नी धा पा, ठीक है, उसके बाद पापा दा धारे नी, पापा दा धारे सा 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 नी धा पा, पापा दा धारे सा 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 नी धा पा, क्लियर हो गया इस तरह से। आ रुला के गया इश्क तेरा, तो इस तरह से क्या है ये, इसके थोड़ा सा क्या है वो है। उसके बाद कैसे चुप मैं कराऊं वे, तो वो दोनों बिल्कुल सेम बजेगी, रुला के गया इश्क तेरा दो बार, उसके बाद के माने नहीं दिल ये मेरा, वो भी ऐसे ही बजेगी, ठीक है। पापा धा धारे, पापा धा हो गया, धारे सा 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 सा, इतना बजा क्योंकि वो लाइन एक बार है। उसके बाद कैसे चुप मैं कराऊं वे, वो कैसे बजेगा? तो कैसे चुप मैं कराऊं वे, इतना देखो, ये कैसे बजेगा? धा से धा धा धा, चार बार, ठीक है, धा धा धा, चार बार हो गया, धा धा धा, फास्ट करना है इसको, धा 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 पा मा धा पा, क्लियर हो गया, धा 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 पा मा धा पा, धा ये धा, ठीक है, ऊपर वाला, धा 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 पा मा धा पा, कैसे चुप मैं कराऊं वे मा धा पा, धा 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 पा मा धा पा मा धा पा, क्लियर हो गया इतना, चार बार धा, उसके बाद धा पा मा धा पा, इस तरह से क्लियर हो गया इतना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अंतरा, तो नेक्स्ट अंतरा हमारा पा से शुरू होगा, तो पा से शुरू होगा, ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है, और नोट्स का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या है, नोट्स थोड़े से फास्ट भी हैं, ठीक है, कहीं पे कण भी लगा रहे हैं हम, ठीक है, ग्रेस वाले नोट्स भी अब मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है। तो चलिए अंतरा शुरू करते हैं, तो ये बजेगा पास है, फर्स्ट सॉन्ग इस पर बजा के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको क्या है बताऊँगा। ये हुआ, उसके बाद रहेगा हमारा पा, ठीक है, पा पा धा पा पा धा पा मा पा, इतना क्लियर हो गया। पा एक बार होल्ड करना है, हो खाबो से, जब ये वाली लाइन है तो ऐसे बजेगी, हो खाबो से ज्यादा पा पा धा पा मा पा, क्लियर हो गया। उसके बाद
पासा नी नी पासा नी सा ऊपर ऊपर वाला और नी भी ऊपर वाला, ठीक है। पासा नी नी माधा मा शुद्ध माधा धा बधा बधा बा। अगर आप इसको चाहते हैं तो वाइब्रेट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको सीधा भी बजा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा वाइब्रेट करोगे, कर्ण लगाओगे यहाँ पे, तो इसमें थोड़ी सी क्या है मेलोडी आएगी, ठीक है, मधुरता आपको इसमें नजर आएगी। तो देखता हूँ मैं, डिफरेंस बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। माधा पधा 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 पधा, ठीक है, तीन बार करना है इसको, ठीक है। पधा पधा, ठीक है, पधा पधा पधा, ठीक है, तीन बार, ठीक है। धापा धापा कर लो या पधा पधा कर लो, बस फास्ट फास्ट करना है, इसको पता भी लगेगा आपको कि धापा धापा बजा रहे हो या पधा पधा बजा रहे हो, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा फास्ट फास्ट करना है, माधा धा पधा पधा, ठीक है, फास्ट फास्ट करना है। मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ अभी क्या रहेगा इसमें, उसके बाद, ठीक है, ग रे, उसके बाद ग रे रे गा, क्लियर हो गया, ग रे रे गा, इतना क्लियर हो गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है। तो अगर आप सिंपल बजाओगे, ठीक है, पाथ पा को होल्ड कर दोगे, तब भी आपका नोटेशन वही लिरिक्स तो निकलेगा, बट थोड़ा सा कर्ण रहेगा उसमें। मैं बताता हूँ देखो कैसे, आंसुओं से दोस्ती दोस्ती, ये वाली लाइन है, इसकी है वो जो नोटेशन, देखो अभी बजा दोस्ती, ठीक है, बस तो अब भी गया ये, ठीक है। तो बट जो उसको वाइब्रेट करेंगे हम धा पा धा पा धा पा, उसमें थोड़ा सा क्या है मेलोडी नजर आएगी, वो देखो ना कैसे डिफरेंस दिखाता हूँ, दोस्ते, ठीक है। तो वो क्या है, कर्ण है थोड़े से। तो अगर आप वैसे बजाना चाहते हो तो वैसे बजा सकते हैं, या फिर सिंपल बजाना तो इसको पा को होल्ड कर लेना, ठीक है। मा धा पा रे गा रे न हा ग रे सॉरी ग रे रेगा गारे रेगा। अब देखो गारे रेगा जब ये हम बजाएंगे ना, तो इसमें एक आपको क्या है कर्ण लेना है सा का, ठीक है। जब ये कर्ण लोगे आप सा का, तब थोड़ी सी क्या है मेलोडीज नजर आएगी आपको, देखो, ठीक है। गारे रेगा रेगा, ठीक है, गारे तक तो ठीक है, गारे, उसके बाद रेगा ऐसे सीधा नहीं बजाना, रेगा, उसके बाद क्या करना है आपको कर्ण लेना है रेगा, सा पे हल्का टच करना है रेगा रेगा रेगा, ठीक है, इस तरह से एक ही बार बजाना है, तो मैं बार बार बताया आपको, ठीक है। तो इस तरह से रहेगी हमारी फर्स्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद जो दोबारा क्या है, दोबारा भी ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है, जीने की ख्वाहिश में लम्हा लम्हा मर बैठे, ठीक है। वो भी कैसे बजेगी, वो भी बिल्कुल ऐसे एज इट इज क्या रहेगी, वो उसमें क्या है पा नहीं लगेगा, जो हम पहले करते थे प प ध प, क्लियर है, वो वाला पानी लगेगा। अब सिंपल बजेगा प ध प मा प, ठीक है, प सॉरी प ध प मा प, क्लियर हो गया, प प ध प मा प, उसके बाद प स नी नी माधा माधा ध प रेगा रेसा, क्लियर हो गया। जीने की ख्वाहिश में लम्हा लम्हा मर बैठे, ये कर्ण जरूर लेना भैया आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है मेलोडी नजर आएगी आपको इसमें, पर उसके बाद फिर क्या है, ये हो गए दो लाइनें अंतर की, चार लाइनें कंप्लीट हो गई, क्योंकि रिपीट भी है शायद ये। उसके बाद है तू ऐसे जुदा हुआ, ठीक है, ऊपर वाली लाइन है, तू ऐसे जुदा हुआ मैं रात तू सुबह हुआ, तुझ पे मैं मरता रहा, तुझे याद मैं करता रहा, रुला के गए इश्क तेरा। तो ये जो लाइन है, ठीक है, तू ऐसे जुदा हुआ, जो फर्स्ट लाइन हमने बजाई थी ना, ठीक है, वही आपको क्या है रिपीट करनी है, ठीक है। तू मिलो दूर कहीं, वो वाली लाइन है जो है, जो मैंने पहले आपको बताई है, वही आप रिपीट करोगे तो क्या है आप इसको क्या बजा पाओगे। मेरे पास एक भाई ने कमेंट भी किया था कि आप यदि पूरा ही बताओ, ठीक है, सेम बजा के दिखाओ तो ज़्यादा रहेगा, उससे क्या हो जाएगा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो को ज़्यादा बड़ा किया जाए, ठीक है, बजाए कि थोड़ा बताओ, वो सेम ही बज रहा है, तो आप वो नोटेशन रिपीट कर दो, या मैं नोटेशन भी इसके सामने नीचे लिख के दे देता हूँ आपको, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही बजेगा, अगर मैं उसको वैसे ही बजा दूँ ना तब भी वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, उसमें चेंज बिल्कुल नहीं आता है। तो इसलिए मैं उसको बजा के नहीं दिखाता हूँ,
तो आपको क्या है सिंपल ऐसे ही नजर आ जाएगा वो, ठीक है। आप बजा के कोशिश करना, अगर ना बजे तो फिर मैं दोबारा से कमेंट कर देना, फिर मैं बजा के दिखाया करूँगा आगे, ठीक है ना। वैसे अब की बार मैंने अंतरे में काफ़ी लाइनें जो रिपीट थी सेम थी, बट मैंने उसको क्या आपको बताया है, ठीक है। तो उसमें कुछ कुछ कर्ण थे तो मैंने वो आपको बता दिए, ठीक है। तो ये ऐसी तरह से क्या है पूरा का पूरा ऐसे ही रिपीट होता आ जाएगा। अगर और भी इसके अंतरे हैं तो वो भी ऐसे ही रिपीट होंगे, ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए ट्यूटोरियल, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।